तो गाइस सुपर हीरो एक ऐसा जॉनरा है जिसे बॉलीवुड एक लंबे समय से इग्नोर करता आया है, इसीलिए भी क्योंकि पास्ट में कई बॉलीवुड सुपर हीरो मूवीज ने कभी भी ऐसी सक्सेस नहीं दिखाई जिससे कि इस जॉनर को हमारे यहाँ एक्सप्लोर किया जाए। जहाँ बात करें बॉलीवुड की ओर से आई कुछ एक अनसक्सेसफुल सुपर हीरो मूवीज की, तो यह है द्रोणा, भावेश जोशी, फ्लाइंग जट एंड मर्द को दर्द नहीं होता, जो सब के सब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। लेकिन बावजूद इनके कुछ एक सुपर हीरो मूवीज ने अच्छे कलेक्शन के साथ साथ अपना नाम भी बनाया, जैसे रावण, क्रिस या मिन्नन मुल्ली, जिसे देखते हुए इफ यू डोंट नो तो बता दूं गाइस कि बॉलीवुड में वर्ल्ड फेमस अमेरिकन सुपर हीरो फैंटम के ऊपर भी एक मूवी प्लान की जा रही थी जो कि अब कभी भी नहीं बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड फैंटम मूवी का इंडियन एडप्शन लाने वाले थे, जो कैसा होता, कौन होता इसका हीरो और क्यों ये नहीं बन पाई, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही कई मजेदार वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन पर कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, ये बात है साल 2019 की, जब हमारे यहाँ से प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला एंड डायरेक्टर वसंत बाला ने फैंटम की मूवी के राइट्स एक्वायर किए, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ी आईपी है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि फैंटम हमारे पॉप कल्चर का सबसे पहला सुपर हीरो माना जाता है, जो इतना वाइडली पॉपुलर था कि इन द लेट 90s एंड अर्ली 20s लगभग हर बड़े कॉमिक पब्लिशर ने इंक्लूडिंग डीसी एंड मार्वेल इसके इश्यूज को छापा। इवन इंडिया में भी पहले ये न्यूज़पेपर में स्ट्रिप्स के तौर पर आया और फिर इंद्रजाल कॉमिक्स ने फैंटम की कहानियों को हम रीडर्स तक पहुंचाया, जो काम आज के वक्त में भी जारी है बाय शक्ति कॉमिक्स एंड रीगल पब्लिशर। नाउ फैंटम मूवी को अडॉप्ट करने का लाइसेंस तो 2019 में ले लिया गया, बट टिल डेट हमें इसकी कुछ छोटी अपडेट्स के अलावा ऐसा सच कोई बड़ी कॉन्क्रीट न्यूज नहीं जानने को मिली, जिसका मतलब यही निकलता है कि क्या बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स की तरह ये वाला भी स्क्रैप कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, रोनी स्क्रूवाला एंड वसंत बाला द्वारा जो देसी फैंटम मूवी बनाई जा रही थी वो अब कैंसिल हो चुकी है, जिस मूवी को प्री प्रोडक्शन स्टेज तक भी ले जाया गया था, जहाँ बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इस मूवी में लीड रोल करने वाले थे, जो न्यूज कई आउटलेट्स ने साझा भी की थी। बट लेटर ऑन कार्तिक आर्यन और मूवी के क्रिएटर्स के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस होने के कारण वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गए, जो इस मूवी से आई एक आखिरी अपडेट थी, जिसके बाद अब तक इस मूवी का कोई अता पता नहीं और होगा भी कैसे। आखिर ये मूवी अब डिब्बा बंद हो चुकी है, क्योंकि कोई भी पब्लिशर अगर किसी कैरेक्टर के राइट एक्वायर करता है तो वो राइट्स उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए रहते हैं, जिसके दौरान उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके राइट्स वापस से सामने वाली पार्टी को चले जाते हैं। तो जैसा कि इस केस में 2019 से 2023 आ चुका है एंड स्टिल इस मूवी पर कोई भी प्रोग्रेशन नहीं हुई है, इसलिए अब ये मूवी पेटी पैक हो चुकी है। एंड अगर आप द फैंटम के ऑफिशियल पेज पर जाते हैं तो अब वहाँ से भी इसकी बॉलीवुड मूवी इन मेकिंग वाली लाइन को कट कर दिया गया है, जो कि अब से कुछ वक्त पहले तक यहाँ मेंशन की जा रही थी, यानी अब उस फिल्म का कोई अता पता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फैंटम पर बन रही ये मूवी दोबारा से ऑन ट्रैक नहीं आ सकती है, ऐसा जरूर से हो सकता है, बट उसके लिए इसके राइट्स को वापस से लेना होगा, जो रोनी स्क्रूवाला चाहे तो आसानी से ले भी सकते हैं, बट अब वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि अब से वो कई बड़े बजट की और सुपर हीरो वाली मूवीज नहीं बनाना चाहते हैं, जिसका एक मुख्य कारण भी है उनकी प्रीवियस आई बॉक्स ऑफिस डिजास्टर मर्द को दर्द नहीं होता, जो कितनी बुरी तरह से पिटी थी ये वो अच्छे से जानते हैं, इसीलिए अब वो वापस से सुपर हीरो मूवीज पर अपना दाव नहीं खेलेंगे। एंड मोर ओवर इनकी इमोर्टल अश्वत्थामा भी जिस तरह से अपने प्रोडक्शन स्टेज में रहते हुए 30 करोड़ जितना लॉस कर चुकी थी तो उसे भी इसीलिए सेल किया गया, जो भी अब कभी बनेगी या नहीं ये बात की बात है। बट कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल टॉपिक, तो यस गाइस, फैंटम पर जो इंडियन बॉलीवुड मूवी आने वाली थी अब वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप द फैंटम के फैंस हैं तो आपको एक खुशखबरी ये जरूर से दे दूं कि इस पर हमें जल्द ही लाइव एक्शन सीरीज देखने को मिलेगी, जो यूनिवर्सल कंटेंट प्रोडक्शन की तरफ से होगी, जो कि जान जाते हैं अम्ब्रेला एकेडमी के लिए, और ये सीरीज आएगी नेटफ्लिक्स पर। तो हाँ, ये एक अच्छी बात है कि हम द फैंटम को बॉलीवुड मूवी में ना सही एटलीस्ट सीरीज में तो देख पाएंगे। सो लेट्स सी कि आखिर ये सीरीज हमें कब तक देखने को मिलती है, जिस पर अब आपका क्या कहना है आप मुझे बताएं कमेंट्स में, क्योंकि वक्त तो चला है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का, जिसे अगर आपने पसंद किया तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर दें। एंड जाने से पहले हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।